एक बार फिर क्लास एट तो आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। अपने सिलेबस को हम आगे बढ़ा रहे हैं आफ्टर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखते हुए अपनी बुक की हेल्प से इस पोएम को, जो हमारी पोएम नंबर 9 है, अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर। ये जो पोएम है ये एक पत्र है जो अब्राहम लिंकन, जो कि राष्ट्रपति थे अमेरिका के, इनका एक पत्र है ये, जो उन्होंने अपने बेटे के टीचर को लिखा था। अब्राहम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, फेल्ट ए स्कूल कैन टीच चिल्ड्रन मैनी थिंग्स, रीड व्हाट ही एक्सेप्ट हिज सन टू लर्न इन ए लेटर टू हिज सन्स टीचर। अब्राहम लिंकन जो कि प्रेसिडेंट थे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, वो महसूस करते हैं कि स्कूल कैन टीच, एक स्कूल ही बच्चों को बता सकता है, चिल्ड्रन मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, रीड व्हाट ही एक्सेप्ट्स। अब इस पोएम को हमें पढ़ना है और देखना है कि क्या उनकी आशाएँ थी हिज सन टू लर्न इन ए लेटर टू हिज सन्स टीचर, जो एक पत्र लिखा गया है अब्राहम लिंकन के द्वारा अपने बेटे के अध्यापक के लिए। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, ही विल हैव टू लर्न आई नो दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, ऑल मैन आर नॉट ट्रू, बट टीच हिम ऑल्सो दैट फॉर एवरी स्क्राउंडल देर इज़ अ हीरो, दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन देर इज़ ए डेडिकेटेड लीडर। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं साथ के साथ। ही विल हैव टू लर्न, उसको जानना होगा, उसे सीखना होगा, ये अपने बेटे के लिए कह रहे हैं अब्राहम लिंकन पत्र के माध्यम से, जो कि उन्होंने अपने बेटे के टीचर को लिखा है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, जस्ट मीन्स है यहाँ पर ट्रू, मैं जानता हूँ कि सभी लोग सच्चे नहीं होते, ईमानदार नहीं होते हैं। ऑल मैन आर नॉट ट्रू, सभी लोग सच्चे नहीं हैं, बट टीच हिम ऑल्सो दैट, लेकिन ये आपको उसे बताना होगा, फॉर एवरी स्क्राउंडल, स्क्राउंडल बोलते हैं दुष्ट और बदमाश व्यक्ति को, कि प्रत्येक दुष्ट व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक बदमाश व्यक्ति के अंदर देयर इज़ अ हीरो, एक नायक होता है। दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन, और प्रत्येक सेल्फिश जो स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं, देयर इज़ ए डेडिकेटेड लीडर, उनके अंदर भी एक समर्पित नेता होता है। टीच हिम फॉर एवरी इनेमी देयर इज़ ए फ्रेंड, आप उसको सिखाइए कि प्रत्येक शत्रु के अंदर एक मित्र होता है। इट विल टेक टाइम, आई नो, मुझे पता है कि ऐसा उसको सिखाने में समय ज़रूर लगेगा, बट टीच हिम इफ़ यू कैन, लेकिन ये सब चीज़ें उसको ज़रूर सिखाइए अगर आप सिखा सकते हैं तो। दैट ए डॉलर अर्नड इज और ओ फार मोर वैल्यू देन 5 पाउंड, आप उसको बताइए, अगर आप उसे बता सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि वो एक डॉलर जो हमारा स्वयं का कमाया हुआ है, उसकी कहीं ज़्यादा वैल्यू है 5 पाउंड से। टीच हिम टू लर्न टू लॉस, उसको सिखाइए खोना, एंड ऑल्सो टू इन्जॉय विनिंग, उसको सिखाइए कि हम जीत में भी खुश रहें और हार में भी खुश रहें। स्टीयर हिम अवे फ्रॉम इनेवी इफ़ यू कैन, और उसको सिखाइए कि वो प्रत्येक ईर्ष्या, इनेवी ईर्ष्या से दूर रहे, यदि आप उसको सिखा सकते हैं। टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, उसको आप सिखाइए पूर्ण रूप से हंसना, सीक्रेट्स के बारे में, रहस्यों के बारे में। लेट हिम लर्न अर्ली दैट द बुलीज आर द ईजीएस्ट टू लिक, बुलीज का मतलब है यहाँ पर दबंग लोग। लेट हिम लर्न, उसको सिखाइए जितना जल्दी हो सके, दैट द बुलीज आर द ईजीएस्ट टू लिक, कि बुलीज दुष्ट लोगों को, जो दबंग लोग हैं उनसे दूर रहना। टीच हिम इफ़ यू कैन द वंडर ऑफ बुक्स, टीच हिम उसको सिखाइए जितना भी आप सिखा सकते हैं। द वंडर ऑफ बुक्स, वंडर ऑफ बुक्स जो बुक्स के अंदर आश्चर्य हैं, रोचक चीज़ें हैं, उनके बारे में आप उसको बताइए।
बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पोंडर द एटर्नल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई बीज इन द सन। लेकिन उसको पर्याप्त समय भी दीजिए जिससे कि वो जो एटर्नल मिस्ट्री अनंत रहस्य है पक्षियों का आकाश में और बीज इन द सन और मधुमक्खियों का सूर्य में, उसको इतना समय भी पर्याप्त रूप से मिलना चाहिए ताकि वो उन रहस्यों के बारे में जान सके। एंड द फ्लावर्स ऑन ए ग्रीन हिल साइड, और जो फ्लावर्स हैं हरियाली है हिल साइड पर उसके बारे में वो जाने। इन द स्कूल टीच हिम इट इज़ फॉर ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट, और स्कूल में ही उसको सिखाया जा सकता है, आपके द्वारा ही उसको बताया जा सकता है। इज़ फॉर ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट, कि असफल होना कहीं ज़्यादा अच्छा है चीट करके सफल होने से। टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज आवर आइडियाज़, आपके द्वारा उसको सिखाया जाए कि हमें हमारे आइडियाज़ पर हमें हमारे विचारों पर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। इवन इफ़ एवरी वन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग, भले ही कोई दूसरे व्यक्ति उसको कहते रहे कि आप गलत हैं आप सही नहीं हैं, फिर भी आप उसे सिखाइए कि जो उसके अपने आइडियाज़ हैं वो उन पर विश्वास करें भरोसा करें। नेक्स्ट पैसेज, टीच हिम टू बी जेंटल विद जेंटल, आप उसको सिखाइए कि सज्जन व्यक्तियों के साथ सज्जन के जैसे रहे। एंड टफ विद ए विद द टफ, और टफ लोगों के साथ दुष्ट व्यक्तियों के साथ वो दुष्टता का व्यवहार करें। ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड व्हेन एवरीवन इज गेटिंग ऑन द बैंड वैगन। बैंड वैगन यहाँ पर भीड़ के लिए यूज़ किया गया है, और अब्राहम साहब कह रहे हैं अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के टीचर से, Try to give my son the strength, मेरे बेटे को शक्ति प्रदान करने की कोशिश कीजिए। Not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon, वो उसमें इतना साहस हिम्मत उसको देने की कोशिश कीजिए कि वो जो क्राउड लोग हैं उनको फॉलो ना करे, जो डरपोक लोग हैं उनको फॉलो ना करे, वो अपना रास्ता स्वयं बनाए और जो सही है उसका चुनाव करे। Teach him to listen to all men, but teach him also to filter all he hears on a screen of truth and take only the good that comes through. आप उसको सिखाइए कि वो सुने सबको, लेकिन सुनने के पश्चात उनको फिल्टर करे और फिल्टर करके जो सही है उसका चुनाव करे और उसी पर उसी का अनुसरण करे। Teach him if you can how to laugh when he is sad, आप उसको सिखाइए अगर आप उसको सिखा सकते हैं कि जब हम दुखी होते हैं हमें उस समय में भी मुस्कुराना चाहिए। Teach him there is no shame in tears, teach him to scoff at cynic, उसको बताइए कि टीयर्स में कोई शर्म की बात नहीं है, ये भी आपको ही आप ही उसको सिखा सकते हैं आप ही उसको बता सकते हैं। एंड टू बीवेयर टू मच स्वीटनेस, और बहुत ज़्यादा स्वीटनेस भोला भाला सीधा साधा होने से भी हमें सावधानी उसको सिखानी है आपको उसको बतानी है। लेट हिम हैव द क्रेज टू बी इम्पेशेंट, और इम्पेशेंट धैर्य रखते हुए उसके अंदर साहस आपको भरना है। लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, और बहादुर होने के लिए भी उसको उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। टीच हिम ऑलवेज टू हैव सबलाइन फेथ इन हिमसेल्फ, सबलाइन का मतलब है यहाँ पर पूर्ण। टीच हिम ऑलवेज टू हैव सबलाइन फेथ इन हिमसेल्फ, आप उसको सिखाइए कि वो पूर्ण विश्वास रखे अपने आप पर, बिकॉज देन ही विल हैव सबलाइन फेथ इन मैनकाइंड, जिससे कि वो मैनकाइंड मानवता पर भी उसका पूर्ण विश्वास हो सके। दिस इज़ ए बिग ऑर्डर बट सी वॉट यू कैन डू, ये सब जो मेरे द्वारा कहा गया है यही बहुत बड़ी सी बातें बहुत बड़ी बातें हैं जो आपको मेरे बेटे को सिखानी है। बट सी, लेकिन तुम्हें देखना है वॉट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से मेरे बेटे के लिए कि मैं आप ये सब गुण डाल सकते हैं। ही इज़ सच ए फाइन फिलो, और इस प्रकार से जब आप उसको सिखाएंगे तो इस प्रकार से वो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा माई सन। तो स्टूडेंट्स बट ये जो चैप्टर था आपका नंबर 9, अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर बाय अब्राहम लिंकन, इस वीडियो के माध्यम से
इसको एक्सप्लेन किया है और वीडियो के माध्यम से ही आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्टिविटी, जो भी इसकी एक्सरसाइज है, उनको करेंगे। तब तक आप इसकी रीडिंग करेंगे, इससे वर्ड इसके जो वर्ड्स हैं हार्ड वर्ड्स निकाल के अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, और जो वर्ड्स मीनिंग्स मैंने आपको बताए हैं बीच बीच में, आप उनको भी नोट करते रहेंगे। ठीक है बेटे, ओके एंड बाय।